हाय, आई एम अभिषेक। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल द लाइन एल एंड एम बी पैरेलल टू ईच अदर। तो एक्स का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जो ए लाइन हो जाएगा, एल और एम जो है पैरेलल हो जाएगा, लाइन एल और एम पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, सोल्यूशन करेंगे हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन में चलेंगे। देखिए तो एंगल दिया हुआ है ना, ये वाला एंगल और देख सकते हो ये वाला एंगल, ये दे चुका है। ठीक है, और ये आपको ये दो लाइन दे चुका है। तो कौन सा एक्स का वैल्यू होगा ताकि ये दो लाइन पैरेलल होगा, वो सो करना। तो आपको सबसे पहले करिएगा क्या, तो सबसे पहले देखिएगा कि जो एंगल होगा, एंगल सिंपल सा कर सकते हो 3x माइनस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x प्लस 10। देखिए 3x माइनस 20, 3x माइनस 20 इक्वल 2x प्लस 10, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। कैसे इक्वल हो जाएंगे, तो लिखेंगे बाय क्रोस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए ये एंगल, ये वाला छोड़कर एंगल, ये वाला दोनों, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। कैसे, क्रोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, लिखेंगे यहां पर क्रोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्रोस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है इक्वल होता है, लिखेंगे बाय क्रोस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे, तो बाय क्रोस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो गया। तो सिंपल सा ऐसे कर सकते हो आप सॉल्यूशन इसको। तो आप लिखोगे क्या, 3x माइनस 20 इक्वल टू 2x प्लस 10 हो जाएगा। और देख सकते हो ब्रैकेट हम रिमूव करते हैं तो ये ऐसे आ जाएगा 2x, और भी कह सकते हो प्लस 10 तो हो जाएगा 3x माइनस 2x इक्वल टू 10, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 20। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 10 प्लस 20 यानी कि 30 डिग्री, ये आपको x इक्वल टू 30 डिग्री प्राप्त हुआ। तो देख सकते हो आपको जो यार x का वैल्यू क्या आया, 30 डिग्री। तो कह सकते हो ना, क्वेश्चन पूछ रहा था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, x का कौन सा वैल्यू होगा जो ताकि l और m लाइन पैरेलल हो जाएगा टू ईच अदर। तो आप देख सकते हो x का 30 डिग्री वैल्यू होगा तो l और m लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगे। हे गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन अ बेल आइकन। थैंक यू।